आर लाइव बच्चों एक बार जल्दी से सब चैट सेक्शन में बता दे आज के कि क्या हमारी क्लास आरंभ हो चुकी है अगर नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बता यस yes. क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों हाँ जी एवरी वन इन द चैट सेक्शन क्या है मैम को पता लग जाता है कि हाँ एम आई ऑडिबल यस आई थिंक क्लास स्टार्ट हो गई है यस 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 नहीं अभी भी नहीं दिखा रहा यार

यार वो टीचर का ना बीच बीच में मन हो जाता है कि जरा देखे तो कहाँ पहुंचे हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं हमारे बच्चे तो बस इस चक्कर में ना मैम कर लेती है बीच बीच में ऐसा कुछ ठीक है नाराज तो नहीं है ना कोई बच्चा जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं भाई बता दो तभी मैं आगे चलूंगी तो मैं खुश होना चाहिए बस क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि तुम्हारे बायो में थ्री में से थ्री आए और ये जो असर्शन रीजन है ये जो बच्चों हमारे असर्शन रीजन है ये काफी सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है कैसे कॉन्सेप्ट लगाने हैं तो आज की क्लास में मैं आपको तरीका भी समझाने वाली हूं कॉन्सेप्ट जहां जहां जरूरी होंगे वो भी बताने वाली हूँ और कैसे सोचना है नीट एग्जाम में कि आपका हंड्रेड परसेंट आंसर राइट हो जाए ठीक है तो काफी सारी चीजें आज हम करेंगे बिल्कुल आप आपकी पहली क्लास है जिसमें आप सीखेंगे भी कि आखिर को सॉल्व कैसे करेंगे फिर इसी का पार्ट टू में बनाऊंगी जहां पे मैं सिखाऊंगी नहीं बल्कि तुमसे पूछूंगी कि बता जरा अब इसका आंसर क्या है तैयार हो चैलेंज लेने के लिए जी स्क्र आर्मी यस मेरे बच्चों तो ओ एम आर तैयार अगर आपके पास ओ एम आर नहीं है तो बिल्कुल भी बुरा ना मानो क्योंकि होली चली गई है ठीक है ओ एम आर नहीं है तो एक रजिस्टर ले लो वहां तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ही करने वाले हैं ठीक तो है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए रो रहा है वो बेचारा <laughs> और इसी के साथ मैं बता दूं कल इसी चैनल पे शाम के सात बजे शुरू होगा इकोलॉजी वन शॉट महा मैराथन यानी कि पूरी इकोलॉजी यूनिट एनसीआर से मैं थियोरेटिकली पढ़ाने वाली हूं सात बजे कल इकोलॉजी तो ये आप जरूर अपने कैलेंडर में फिक्स कर ले क्योंकि आजकल बहुत बिजी हो गाइस होगा yes, आप बहुत ही बिजी हो पहले से इसलिए मैं भाई पहले से अपना कैलेंडर फिक्स करा देती हूँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों नीट अड्डा का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहाँ पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा एनोटेशन के साथ भी और एनोटेशन के बिना भी तो जिससे आप बाद में एक और बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को और मैं ऐसा कहूंगी कि हर बच्चे को एक बार और ये क्वेश्चंस लगाने चाहिए क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस वापस से लगाते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो एक मेरी छोटी सी गुजारिश रहेगी कि तुरंत से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और कर ले ठीक है सॉल्व फिर आते हैं ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब जो आपका टेस्ट है थर्टी फर्स्ट मार्च को उसका सिलेबस ये है प्लीज इसे तैयारी कर लेना विजरट और ये उन बच्चों के लिए जो क्लास इलेवेंथ के सॉरी बच्चों ठीक है ये क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्थ और ड्रॉपर के हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टी परसेंट ऑफ है तो आप जीएन टी फिफ्टी फाइव कोड लगा सकते हैं और महापैक ले सकते हैं जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा बैच भी मिलेगा आपको ए आई टी एस भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा जो आपको अंत तक चाहिए प्रिपरेशन के लिए ठीक है चलिए अब हम शुरू करते हैं आ जाओ लेके 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 प्रभु का नाम लेके 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 प्रभु का नाम यस मैम कल कर, पक्का कराना प्लीज ओके देख रहे हो ये मेरे बच्चे है

ठीक है एक बार जोश के साथ क्योंकि रात के सेशन में ना थोड़ा जोश भरना पड़ता बच्चों में क्योंकि सुबह से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं यार तो इनको जब तक जोश हंड्रेड yes, परसेंट yes. के बीच में स्कोर करना आज हर बच्चे को ठीक है पोल कैसे होगा बेटा पोल नहीं होगा ठीक है चलो कमॉन गाइस जोश यस जोश कमॉन फुल फुल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी पूरी चाहिए मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए एनर्जी में। yes, रात के के बजे ऐसा लगना चाहिए दुनिया को। वर्ल्ड है, yes, nice, है। इसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीट हो चुका है, जिस जो अब है वहीं से क्वेश्चन बनाया ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर वन एवरीवन ध्यान से करना फोकस के साथ करना मैंने पहले लिखा था ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली पूरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं और एक्चुअली मैं अपने स्कोर पे काम करना चाहते हैं ठीक है चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे बच्चों द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी द सिस्टमैटिक्स एंड आंसर होगा अगर आंसर की बाढ़ आ गई चैट बॉक्स में तो बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई बिड़ू आज बिल्कुल मजा आ जाएगा जल्दी बता दो खुद से सोचो अब्निका वेरी गुड पहला सही जवाब अब्निका ने दिया आज की क्लास में अब्निका को फुल मार्क्स फाइव नहीं फोर ठीक है यस yes. तो यानी कि मैक्सिमम बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं मेरे को बिल्कुल मजा आ जा रहा है देखिए क्योंकि ये मैंने परसों तरसो ही चैप्टर पढ़ा है बेटा सिस्टमैटिक्स में क्या होता है इसके अंदर एवोल्यूशनली रिलेशनशिप भी होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी यहाँ पे हम बात करते हैं ठीक है इसकी भी बात करते हैं हम यहाँ पे पायलोजेनेटिक जे, रिलेशनशिप की ठीक है बच्चों वही टैक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ज़्यादा करते हैं। किस पे ज़्यादा करते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ज़्यादा करते हैं तो यानी कि इन दोनों का मतलब सेम नहीं है

अब मैं आती हूं ठीक है देखिए वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसका कोई डाउट यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं होता है यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कॉन्शियस है ट्रू ठीक है ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस इस पे हमने बात भी की थी अगर आपको याद हो क्लास में क्या है सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किसमें मिलेगी सिर्फ किस में मिलेगी? क्या दू? Yes. आप देखो बहुत सारे बच्चे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ये इसका रीजन है बट ये रीजन यहाँ पे मुझे नहीं दिया हुआ बट ये सेंटेंस सही है तो यानी कि मेरा ए ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा बल्कि मेरा आंसर क्या बनेगा बी क्योंकि यहाँ पे इसका परफेक्ट रीजन मुझे नहीं मिला है तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बी कैसा लगा बढ़िया हो रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है एवरीवन आ रहा है कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं आ जाओ ये देखिए नेक्स्ट चलिए रीड कीजिए मैं साइड में खड़ी हूं आराम आराम से करो कोई जल्दबाजी नहीं है यस बच्चों हम क्या है मेरे बच्चों यस देखो आ जाओ द फंजी आर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन जो फंजी हैं वो वाइट स्प्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन में दे इवन देवन और इन साइड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स मैंने बताया था फंजी नाखूनों के अंदर भी रहती है शरीर के अंदर तक होती है शरीर के बाहर भी होती है डेंड्रफ की फॉर्म में तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों मेरा ट्रू हो गया क्या हो गया पहला स्टेटमेंट ट्रू ठीक है अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे फंजी आर एबल टू ग्रो एनी वेयर ऑन लैंड वॉटर और

तो यानी कि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है जब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, है है? तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स कि है, है तो तो आंसर, आंसर मेरा क्या हो गया जी आंसर मेरा हो गया सी ऑप्शन आया आंसर कॉन्सेप्ट लगा कॉन्सेप्ट लगा मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिए थे बट मैं यही चीज आपको बता रही हूँ बहुत आराम आराम से पढ़ो चैट्स को मत देखो सिर्फ फोकस रखो स्क्रीन पे ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन सीरियसली ये मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन है आज के पूरे सेशन का तो एक बार ध्यान से देखना इसको कल बताया था युगलीना के बारे में सब पलट गए मैम आई नो आई नो यस अब मैं आउटियो स्क्रीन पे प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ठीक है Yuglina को प्लांट मान लेते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन अब देखो यहां पे क्या कह रहे प्लांट है यहां यह कह रहे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते क्यों क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इट इज सेल वॉल क्या युगलीना के पास सेल वॉल होती है कल माम ने बताया था इनके पास सेल वॉल नहीं होती बल्कि इनके पास क्या होता है, प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों पेलिकल तो यानी कि इस हिसाब से तो ये एनिमल में आना चाहिए और ऊपर ही कह रहे हैं कि ये प्लांटी में आना चाहिए भाई ये चल क्या रहा है समाज में ये तो कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा ये तो कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा तो यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन जिन्होंने बी आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट तो अब देखो ये वाला स्टेटमेंट सही है क्यों युगलीना को हम प्लांट में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है ठीक है और इसको हम ऑन बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं डिवाइड कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इसके तो हिसाब तो तो से तो प्लांट ही है तो इसे हम कर ही नहीं पा रहे इसका आंसर क्या होगा बच्चों बी ऑप्शन लगा मजा आया लगा कॉन्सेप्ट लगा दिमाग बस ऐसे ही करना आराम आराम से बिल्कुल घबराना नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कम ऑन गाइस बिल्कुल आज कॉन्फिडेंस भर के लेके जाओगे क्लास में यस बच्चों अब यहां पे आ रहे हैं यहां पे दो मॉसेस के बारे में बात हो रही है मॉसेस के बारे में ये सबसे कॉमन पीवाई की क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ठीक है यहां पे लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस होमोस्पोरस क्यों क्योंकि मॉसेस में हम क्या बात करते हैं आगे जो बात करते हैं कि मैक्सिमम में होमोस्पोरस होता है एक्सेप्ट सेलेजनेला क्योंकि सेलेजनेला में हेटरोस्पोरस होता है जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सबके सब हेटरोस्पोरस होते हैं सबके सब क्या होते हैं हेटरोस्पोरस होते हैं तो यानी कि यहां पे हेटरोस्पोरस आएगा और लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस आएगा तो आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चों यस आंसर यहां पे

ठीक है आ नेक्स्ट सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स बच्चों ये होते हैं हमारे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्या होते हैं ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं हमारे हाइड्रोकोलॉइड्स algin carotigenin are used commercially as water holding substance अब ये गलत हो गया क्योंकि ये काम तो हाइड्रोकोलाइड्स का है तो ये चीज क्या होगी मेरे बच्चों ये चीज यहां पे फॉल्स होती हुई ये यहां पे फॉल्स होती है तो आंसर क्या बनेगा बच्चा पार्टी जल्दी बताओ आंसर अब आराम आराम से एक सेकंड से algin कह रहा है are used commercially ये फॉल्स हो गया ना हां फॉल्स हुआ या नहीं अब देखो आंसर क्या है सी ऑप्शन क्या हो गया क्या हो गया मेरे बच्चों बी आंसर क्यों दे रहे थे भूल गए थे क्या है क्या हुआ मेरे बच्चों प्लांट किंगडम यानी एक बार और पढ़ाना पड़ेगा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में तो तो उसके ऊपर भी मेहनत की जाए यस yes. देखो बेटा ये हैं एलजिन ठीक है और कैरेजिन ये आता है क्वेश्चन नीट में चलो अब ने... अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया सॉरी डी आंसर चलो अब नेक्स्ट आ रहे हैं एनिमल किंगडम पे चलो करो क्वेश्चन आराम आराम से डोंट पैनिक डोंट पैनिक आराम से पढ़ो सोचो जवाब दो कोई नहीं आप तीस सेकेंड लगेंगे बट नीट में नहीं लगेंगे यस ओके आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द नोन एनिमल ग्रुप्स ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मेरे बच्चों आर्थ्रोपोडा हमारा लार्जेस्ट फाइलम है ये बात हमें एनसीआरटी ने लिख के दी हुई है ठीक है नेक्स्ट आर्थ्रोपोर्ट एक्सिबिट द ग्रेटेस्ट एडेप्टिव रेडिएशन And have adapted to diverse habitats. ये बात भी बिल्कुल सही है क्यों सही है बच्चों क्योंकि अगर हम देखें नाली में भी मिलते हैं ये हवा में भी मिलते हैं पानी में भी मिलते हैं समुद्री जल में भी मिलते हैं फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं ये हमारे हर जगह मिलते हैं कमरों के अंदर भी मिलते हैं ठीक है ये भिन भिनाते रहते कान के ऊपर ये yes. अब मेरा क्वेश्चन है ए या बी वट शुड बी माई आंसर ए या बी यहां पे बिकॉज लिख देते हैं क्या लिख देते हैं यहां पे बिकॉज क्यों आर्थ्रोपोडा सबसे सक्सेसफुल है क्योंकि ये एग्जिबिट करते हैं ग्रेटेस्ट रेडिएशन और जिसके कारण दे हैव हाँ टू डाइवर्स हैबिटेट ठीक है बच्चों आप देखते हैं आंसर फुल मार्क्स गाइज फुल मार्क्स प्लस फोर वेरी गुड यार वेरी गुड सही ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया इस बार पूरे चार्ट्स में ए भरा हुआ था यार सीरियसली चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लिया अब देखो द हनी बी क्वीन कॉपुलेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम द हनी बी क्वीन कैन ले फर्टिलाइज एज वेल एज अनफर्टिलाइज एग ट्रू ट्रू बट ए या बी क्या लिखू मैं आंसर देखो ये वाली ही सबसे मेन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम एरिया ए और बी में आता है सोशल रीजन में मैक्सिमम बच्चों को यहां पे अब आप कि मेरा आंसर ए होगा या मेरा आंसर बी होगा मेरे बच्चों क्यों ये अपनी जिंदगी के कार्यकाल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है वाई वाई इसका आंसर यहां मुझे नहीं मिल रहा है जब मुझे वाई का आंसर नहीं मिलता है तो मेरा क्या हो जाता है आंसर बी हो जाता है ठीक है बच्चों चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन येस वेरी नाइस जी आर्मी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉर्फोलॉजी जिंजर हैज अ प्रोस्ट्रेट ग्रोइंग राइजोम क्या जिंजर राइजोम का एग्जाम्पल है ट्रू और फॉल्स पहले तो ये ठीक है नेक्स्ट शूट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी जो हमारी शूट है जो हमारा डंडा है ठीक है यस yes. क्या वो अफेक्टेड नहीं होता बाय ग्रेविटी यस yes, मेरे बच्चों जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में यस yes. यस <coughs> yes, मेरे बच्चों तो ये नॉट अफेक्टेड के कारण ये फॉल्स है ये ट्रू है तो आंसर क्या होगा वेरी इजी गाइस वेरी वेरी इजी भाई शूट ग्रोथ इज अफेक्ट हर चीज ग्रेविटी से अफेक्टेड है अगर वो धरती पे है माना कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं बट अगेंस्ट अगेंट ग्राविटी रिलेशनशिप तू मुझसे नफरत करती है ये भी एक है तेरे और मेरे बीच में। तो, तो उस पर ग्राविटी का असर होगा ही इसे ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं ठीक है, है बच्चों तो आंसर हो जाएगा इसका सी नाइस कॉन्सेप्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कम इन एनजीओ स्पर्म वॉटर कंडक्शन के लिए मिनरल कंडक्शन के लिए और यह बहुत लंबे लंबे पेड़ों तक हो पाता है क्योंकि यह बहुत एफिशियंट होता है ट्रांसलोकेशन ठीक है भाई द कंडक्शन ऑफ वॉटर बाई वेसल्स एलिमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस विद एनर्जी सप्लाइड बाईल रिच इन माइटोकॉन्ट्रिया क्या लगता है बच्चों क्या लगता है आंसर क्या होगा देखो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं बट मैं बता दूं जब भी वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कभी एनर्जी खर्च नहीं होती चाहे वो आपका शरीर हो या प्लांट का शरीर हो बट वहीं पे अगर शुगर की बात करें सुक्रोज की बात करें फ्लोयम की बात करें तो वहां पे एक्टिव वर्ड बिल्कुल सही होगा तो यहां पे एक्टिव वर्ड गलत है पैसिव होगा तो ये हमारा फॉल्स है मेरे बच्चों और इसका आंसर होगा सी भाई प्लांट फिजियो लिख लो जरा अपनी नोटबुक में कि ये वाला करना है अच्छे से और <laughs> लिख लो जरा इसको <laughs> लिख लो भाई लिख लो जो जो चैप्टर कमजोर लग रहे हैं लिख लो अभी रिवीजन होगी कल से वन शॉट वापस शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनाटमी का ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस फ्लो ऑफ फोटो एसिमुलेट यानी कि आप यहां पे शुगर भी लिख सकते हैं इसका मतलब शुगर है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है वो हमारा शुगर ही होता है इन प्लांट्स अकर थ्रू सीव ट्यूब तो जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जो शुगर है वो ट्रांसलोकेट करती है एक प्लांट की बॉडी में तो ये बात है, है, है वही इसका काम संभालते हैं ठीक है बच्चों चलो <coughs> देखो मेच्योर सीफ हाँ पेराइटल साइटोप्लाज्म जो मेच्योर सीफ ट्यूब्स अब देखो अगर तुम्हें याद हो बाजीराव मस्तानी याद है है वो बाजीराव मस्तानी ये ट्यूब सेल है और ये कंपेनियन सेल है यस एक बाजीराव की दो थी काशी और बाजीराव यस मस्तानी याद आया एक बाजीराव यानी एक न्यूक्लियस विल कंट्रोल बोथ द सेल्स और इसका जो सारा का सारा बीच का स्पेस है वो खाने को ट्रांसलोकेट करने के लिए यूज होगा तो यानी कि इसका साइटोप्लाज्म क्या होता हैगा प्राइटल हो जाएगा एंड परफोरेटेड सीव प्लेट और जो यहां पे सीव प्लेट्स होती है उसमें सीव पोर्स होते हैं जहां से खाना ऊपर जाता है तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है अब बता दो ए लिखो या बी लिखो आंसर यस yes. सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा मैंने पहले कहा था फेंट हार्टेड बच्चों के बिल्कुल भी ये सेशन नहीं है तो आंसर है ए क्यों आखिर खाना

इसलिए उसके थ्रू खाना ट्रांसलोकेट होता है सही तो आंसर है अब तो कितनी भी पलटू मार लो भाई कितनी भी पलटू मार लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बेटा निमिषा डोंट वरी आई आई रिसर्च ठीक है यस मैं पक्का रिसर्च करती हूं इस पे इन द जॉइनिंग सेल्स गेट डिजॉल्व अरे ये वाला क्वेश्चन रहने दो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो yes। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी डिलीट भी करे थे आने से पहले क्योंकि वो मुझे लग रहे थे कि वो बिल्कुल बेस्ड नहीं है इसलिए ठीक है चलो आ जाओ एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन लेंथ राम और श्याम इंटर कैलरी मेरिस्टम सी से क्या याद आता है बच्चों? काओ। क्या याद आता है बच्चों? काओ ठीक है यस yes. क्योंकि काओ आके ग्रास को खा जाती है फिर ग्रास अपनी लेंथ को वापस इंक्रीज करती है ड्यू टू इंटरकैलेरी मेरिस्टम एंड एपिकल एंड इंटरकैलेरी कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन लेंथ बिल्कुल सही बात है यहां तक व्हाइल द लैटरल मेरिस्टम ब्रिंग्स इंक्रीज इन गर्थ इन मेज ओके एपिकल एंड इंटरकैलेरी मेरिस्टम ऑलवेज इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट ट्रू क्या आंसर दूं व्हाट इज आंसर क्या आंसर है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है इस क्वेश्चन का तू ही ये मुझको बता दे चाहू मैं आना हम्म आंसर चलो आ जाओ आज जाओ थप्पड़ पड़ेगा आप कहोगे मैम क्यों मेज मोनोकॉट है या डायकॉट है मोनोकॉट है या डायकॉट है चलो बताओ ये आंसर बताओ क्योंकि अब मैं सिर्फ देखूंगी कैसे पलटती है ये जी स्क्वायर आर्मी मैं देखूंगी आज के सेशन में कैसे तहलका मचाती है नालायक आर्मी यस yes. भाई पहले से चेंज कर दिया आंसर कह रहे कि इससे पहले मैम बेजती करे आंसर चेंज कर दो भाई कि हमारी इज्जत रह जाए यस माय गॉड मेन्स मोनोकॉट होता है मोनोकॉट में गर्थ इंक्रीज नहीं होती है क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मोनोकॉर्ड्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वो सिर्फ डाइकॉड्स में होती है आंसर क्या होगा इसका डी ऑप्शन कैसा लगा क्वेश्चन गाइस कैसा लगा हाउ वाज़ द क्वेश्चन हर चीज देखनी है यही मैं आपसे कह रही हूं आज की क्लास सिर्फ आरंभ है उस प्रैक्टिस का जो आपके कॉन्सेप्ट से लेके अंदर तक के दिमाग की बत्ती को जला देगा ठीक है समझे क्या क्या पढ़ना है कैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कहा हम लूज कर सकते हैं मार्क्स बिल्कुल अलर्ट रहना है ये जंग है आपके सिलेक्शन की मेरे बच्चों आपको सबसे आगे रहना है इस जंग में पीछे नहीं रहना है बिल्कुल ध्यान से पढ़ो एक एक शब्द देखो जरा ध्यान से देखो यस yes. ये है क्वेश्चन दे दो आंसर फटाफट से क्यों बेटा ग्रास के हाइट ही तो बड़ा आता है कैलोरी इंटर कैलोरी कहा होता है इंटर कैलोरी इंटरकलेटेड होता है वो मेच्योर टिश्यू के बीच में मेच्योर टिश्यू के बीच में होता है इंटर कैलोरी यस yes. चलो भाई वैसे तो वो पूरा ही सेंटेंस गलत है भाई यही तो आंसर है कंपाउंड एपिथिलियम प्लेस मेजर रोल इन एब्सॉर्पन सिक्रीशन एक्सक्रीशन ये कराया था मैंने यह फॉल्स हो गया क्योंकि इसका काम होता है प्रोटेक्शन राइट right, मेरे बच्चों कंपाउंड एपिथिलियम इज फाउंड इन द स्टमक लाइनिंग स्टमक लाइनिंग में कौन सी होती है एपिथिलियम तो यह भी गलत हो गया आंसर क्या होगा डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कमऑन यस थोड़ा सा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं

क्योंकि इनका सिक्रीशन ब्लड में जाता है डायरेक्टली फिर वहां से टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा को अब इसका आंसर यहां पर बनेगा ए ऑप्शन आ गया आराम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब चलो यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट हम्म नेक्स्ट आराम से राइबोसोम्स आर कंसिडर्ड एज अ मोस्ट प्रिमेटिव सेल ऑर्गेनल क्या लगता है आपको यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं राइबोसोम एस एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सबसे प्रिमेटिव है अब आप कहोगे मैम क्यों अगर मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू भी है तो आपके दिमाग में जहन में क्वेश्चन आता है क्यों क्योंकि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं ठीक है मेरे बच्चों प्रो कैरियोट्स में सेवेंटी एस होते हैं यू कैरियोट्स में एटी एस होते हैं बिल्कुल सही बात है तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है राइबोसोम्स अकर इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अब मुझे ये बताओ क्या सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यूकेरियोटिक सेल में मिलते हैं राइबोसोम एक्सेप्शन की तरफ सोचो जब ऑल या ओनली आता है तब हमारा दिमाग एक्सेप्शन की तरफ जाना चाहिए एक्सेप्शन है या नहीं यानी कि वो एक लिविंग सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है और उसमें राइबोसोम नहीं है ऐसा कोई एक्सेप्शन जो सोच सकता है आज क्लास में बता सकता है तो बिल्कुल नजर ना लगे फातिमा दीदी है? तो यहां पे एक्सेप्शन मेरे बच्चों ने बता दिया है जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारा मेच्योर आरबीसी हमारे मैच्योर आरबीसी के पास नहीं होता है राइबोसोम और ये बहुत ही धांसू एक्सेप्शन है क्योंकि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में ये सब लिखा हुआ है ठीक है मेरे बच्चों यस आंसर है सी चार नंबर ले लो भाई वेरी गुड सोच के दायरे को बढ़ाओ यस yes. चलो नेक्स्ट स्मॉलर सेल्स आर यूजुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स क्या जो छोटे सेल्स होते हैं मेरे बच्चों या वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं अगर आपको याद हो पीवाई क्यू क्वेश्चन आ चुका है नीट में और ये है उसका न्यूक्लियस ये देखिए ये उसका न्यूक्लियस है और ये छोटा सा हमारा सेल है तो ये बात बिल्कुल सही है कि छिटंका बच्चा बहुत तेज होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ये बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट स्मॉलर सेल्स हैव हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेल के डायग्राम देखो तो यहां पे जो न्यूक्लियस ने स्पेस लिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म तो जब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सरफेस वॉल्यूम रेशो तो हमारा सेल छोटा हो जाता है और ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है तो ये बात भी ट्रू है तो क्या ये इसका रीजन है भाई बहुत ही अच्छा रीजन लगता हुआ ए आंसर देके खत्म करते हैं ओहो 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायो का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है टेक योर टाइम दो ढाई घंटे का लेक्चर तो है ही तीन घंटे का भी हो सकता है बट टेक योर टाइम कोई दिक्कत नहीं है <clears throat> मैं कराऊं यस आंसर लिख लिया सबने पायल चला जा

ठीक है काटने का मतलब क्या होता है भाई कट रहा है यार कट रहा है ठीक है यस टूट रहा है अब आते इज प्रोसेस जब कुछ बनाते तो एनर्जी लगती है जब कुछ तोड़ते तो एनर्जी निकलती है गुस्सा निकलता है तो क्या ये है या एंडोनिक है बता दो भाई चैट बॉक्स में मैम खुश हो जाएगी क्या लिखो बच्चों एक्जरगोनिक या एंडरगोनिक ये हमारी प्रोसेस एंडरगोनिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट होती है बनने के लिए ठीक है तो यानी कि ये जो प्रोसेस है ये जो हमारा रीजन है ये फॉल्स है जबकि ओपर वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था तो आंसर क्या होगा सी आंसर क्या होगा स्क्वायर आर्मी सी मजा आ रहा है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं अगर मजा इतना ही आ रहा है तो ऑल ले लो मजे चलो भाई ऑल ले लो मजे इसी बात पे मजा आना चाहिए भाई हम्म hmm. ऑल ले लो मजे चल भाई आजा 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 आ जाओ

ये कह रहा है बेसिकली कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन भा नहीं है क्या तुम्हें ये बात सही लग रही है मेरे बच्चों आप कहोगे नहीं मैम ये बिल्कुल गलत है मैम क्योंकि भाई मेजॉरिटी जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं मेजॉरिटी जो हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर ठीक है मेरे बच्चे तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है क्या बात है जबरदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चले जल्दी से Come on guys, हारना नहीं है रुकना नहीं है आज की मेहनत पांच मे को सफल होगी सीधा मियोसिस इज नोन एज कोई शक आप कहोगे नो no, मैम बहुत है मैम बहुत ही इजी है मैम ये तो ठीक है ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोजोम नंबर गेट रिड्यूस बाय हाफ ऑफ इट्स टोटल नंबर आप कहोगे मैम ये भी ट्रू है अब क्यों इसे रिडक्शनल डिविजन कहते हैं Miosis को डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोजोम नंबर जो है हाफ हो जाता है इन योर डॉटर सेल्स तो यानी कि इसका आंसर ए लगाऊ या बी लगाऊ क्या लगाऊ मेरे बच्चों तो इसका आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चलिए कमॉन 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 उमेश मियॉटिक डिविजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स

बट आंसर क्या है बी या ए मुझे ये जानना है आपसे क्योंकि असली कहानी उस दिन भी इसी में ही फंसेगी तुम्हारी नीट एग्जाम में यस yes, मेरे बच्चों मैक्सिमम बच्चे ओहो नजर ना लगे मैं कह रही हूं ना मैया रानी से अरदास लगाइए हर बच्चे की जो मैम के सेशन में आके पढ़ लेगा नीट क्लियर हो जाएगा ऐसी बात पे बोलेंगे सब जय माता दी यस yes, मेरे बच्चों चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम नेक्स्ट आराम आराम से प्यार प्यार से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कोई भी चीज स्किप मत करो चलो यीस्ट सच एज इन बेकिंग इंडस्ट्री चाहे दारू हो या चखना हो सैक्रोमाइसिस ने हमारी जिंदगी सवार रखी है ठीक है मेरे बच्चों ट्रू लिख देते हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कॉजेज द ब्रेड टू राइज बाय थर्मल एक्सपेंशन ये बात भी ट्रू है बट क्या बिकॉज का आंसर मुझे मिल रहा है ए लगाऊं या बी लगाऊं? क्यों सैक्रोमाइसिस को यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में क्योंकि जब फर्मेंटेशन होता है तब सियोटू निकलता है और यही सीओ टू जो है फुलाता है आपकी ब्रेड को तो यहां पे पूरा आंसर मिलता हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे बच्चों बी नहीं होगा बक नालायक यस yes. बक नालायक दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्लास में बेज्जती करा रहे हैं क्यों भाई क्या गलत है उसमें क्यों यीस्ट को सैक्रोमाइसेस को बेक क्रीम यीस्ट कहते हैं क्यों इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं भाई आंसर दे तो रहा है पूरा इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे क्या हैं भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म चलो 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 जल्दी से हम्म ATP as a energy currency of the cell. जैसे जिंदगी चलाने के लिए पैसा पैसा बेटा देखो जब भी ब्रेड बनती है ना थर्मल एक्सपेंशन में एक्सप्लेन करना चाहूंगी बच्चों को जब भी ब्रेड बनती है तो अवन के अंदर बनती है जहां गर्मी होती है गर्मी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस फास्ट होता है जिससे जल्दी सीओ टू बनती है ठीक है कभी भी ब्रेड आपने देखा होगा फ्रिज में नहीं बनती हमेशा अवन में बनती है कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ी सी क्लास में एटीपी आर्ट एजर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिल्कुल सही है सेल को चलाने के लिए एटीपी चाहिए जिंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए क्योंकि इससे हम कभी भी यूज कर सकते हैं तो यानी कि इसका आंसर हो गया ए आई थिंक बच्चों ने पहली ए दे दिया था अरे स्मार्ट है भाई थोड़ा सा सिखाना होता है फिर ये स्मार्ट खुद ही हो जाते हैं हम्म चलो नेक्स्ट चलिए, 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 जल्दी से, अब आते हैं पे, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूट्स टू द इलागेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस प्राइमरी ग्रोथ इस तरीके से होती है हाइट इंक्रीज होती है ऊपर हमारे श्याम बाबा होते हैं नीचे हमारे राम बाबा होते हैं ठीक है

एंड आर विदिया हुआ साज मैं, फिर भी क्यों, मैं। तो आंसर क्या C यार तुम सही मचा रहे हो चल भाई इसी बात में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मचा दो भाई मुझे अच्छा लग रहा है अब अब कॉन्फिडेंस आ रहा है मैम को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है मैम को माइटो कॉन्टेंट क्लोरोप्लास्टर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल सही बात है प्लांट सेल एनिमल सेल बिल्कुल सही क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया बोथ फॉर्म एटीपी क्यों ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल्स है क्योंकि ये दोनों एटीपी बनाते हैं और एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल तो आंसर क्या लगाऊं गेस मेरे बच्चों यस yes, उपासना अनाया यस yes, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 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 इजी में फटाफट से करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कमान गाइस जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से लो टेम्परेचर इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस अगर कम टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी ओके लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट इंजाइम ऑफ प्लांट अब यहां पे बिकॉज लगाते भाई क्यों फोटोसिंथेसिस कम हो रही है ठंडे इलाकों में क्योंकि भाई इंजाइम काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि इतना ठंडा हो गया कि बिल्कुल जैक भैया की तरह जम गए हैं दीदी दी जैक भैया यस बिल्कुल जम गए बढ़िया से जम गए हैं तो इसलिए वो काम ही नहीं कर रहा है तो आंसर क्या लगेगी आर्मी ए लगाएगी जी स्क्वायर आर्मी।, आर्मी मजा आ रहा है बिल्कुल मुझे लगा, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस शूट हो रहा है क्योंकि तुम अब सही आंसर दे रहे हो नेक्स्ट 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 नेक्स, क्लास इलेवन फिनिश होने वाली है जल्दी से बताओ भाई जल्दी से बताओ <coughs> जल्दी से गाइस देखो इधर

कि लेस क्वांटिटी में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन है तो ये आ गया एनसीआर रीजन तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन है ना थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा यही मैं कह रही हूं ना एनसीआरटी याद करना बेटा बहुत जरूरी है याद ही करना उस बुक को नेक्स्ट सार्स ओरिजिनेटेड इन चाइना ये मैंने थोड़ा मस्ती वाला क्वेश्चन रखा है जस्ट वेक योर जनरल नॉलेज चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है ईस्ट से आया था जितना मुझे याद है सार्स भाई कोविड होता तो मैं लिख भी देती आंसर यह चेक करना पड़ेगा मुझे भी ये तो पक्का ट्रू है अभी के लिए बी आंसर दिया है भाई वहीं से ओरिजिनेट हुआ है बाबू बाबू वहीं से ओरिजिनेट हुआ है ये भी यस <laughs> yes, चलो आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आ जाओ आ जाओ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का है आ जाओ बच्चों स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हाई इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर ग्राम वेट छुटंग का बहुत तेज होता है ये बात आप जानते हैं ट्रू अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किया था ठीक है yes. यस उट ऑफ सिलेबस मैम द हार्ट रेट ऑफ सिक्स ओल्ड बेबीज मच हायरसन ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा yes. श्रेया कुछ चीजें बोलने के लिए नहीं होती कुछ चीजें जेहन में रखने की होती है हम हाँ अभी सेकंड पे चल रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें फर्स्ट नहीं आना चाहिए <laughs> आंसर ए है बच्चो ठीक है क्यों ए है क्योंकि देखो जब इसका मेटाबोलिज्म फास्ट है तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कहां से आएगा ब्लड सर्कुलेशन से आएगा और वो ब्लड सर्कुलेशन कौन पंप करेगा? आपका हार्ट पंप करेगा इसलिए आंसर आंसर इसका इसका ए हो गया नहीं होगा भाई इसका बक तो सिखा रहे तुम्हें मारेंगे सबके सब चैट बॉक्स स्पेशली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये जो दोनों सेल्स हैं, ये डायपिटिस की मदद से सीधा पहुंच जाते हैं बच्चों कहां पे वो के पास ठीक है चोट के पास मेरे बच्चों इट इज ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द एंडोथिलियम कैसे पहुंच जाते क्यों पहुंच जाते वाय क्योंकि इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से क्यों का आंसर नहीं दिया डब्ल्यूबीसी एक्यूमुलेट एट द साइट क्यों डब्ल्यू बीसी हो जाता है वोड पे क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि उसे फाइट करना है इंफेक्शन से मेरे हिसाब से बी होना चाहिए हां हिसाब से जीत गए तुम लो जीत गए आज तुम मेरे हिसाब कुछ नहीं होता लो जीत गए तुम बस यही चार यही चाहते थे तुम तब से लो जीत गए यार तुम लो ले लो चार नंबर मेरा माइनस वन हो गया ठीक है ले लो यार ले लो जाओ जी लो जिंदगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आ जाओ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड इज रिमूव जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है आर्टीरियल ब्लड में वो रिमूव करा दिया जाता है ठीक है वेन ब्लड पासिस थ्रू डायलाइजर यूनिट बिल्कुल सही है जितना भी आर्टीरियल ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है डायलाइजर यूनिट में भेजा जाएगा और सारा नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो रिमूव करा दिया जाएगा बिल्कुल सही है कोई भी गलती नहीं है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं खुश कितना हो रहे हे भगवान आर्टीरियल ब्लड ऑफ पेशेंट एंड डायलाइजिंग लिक्विड आर मेड टू टू फ्लो ऑन ऑफ मेम्ब्रेन ना जी ना ओनली आर्टेरियल ब्लड इज अलाउड टू फ्लो ठीक है एंड डायलाइजिंग लिक्विड फ्लोज इन वन डायरेक्शन कैसे मैं आपको बताती हूं ये देखिए ये डायलाइजर यूनिट है ठीक है अब यहां पे इस तरीके से ब्लड जा रहा है इस तरीके से यहां से ब्लड जा रहा है और यहां से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूएड आ रहा है ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूड है और यहां पे यूज डायलाइजिंग फ्लूएड तो दोनों की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो सेम आ रही है अगर आप देखेंगे तो दोनों के एरो बनाया वो सेम आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं बच्चों तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन क्योंकि ये फॉल्स है सी हो गया आंसर नेक्स्ट दिमाग लगाया ना दिमाग लगाना पड़ा ना दिमाग लगाना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है हम्म, hmm. चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वाटिक मैमल्स मैमल्स, लाइक वेल्स एंड सील्स आर सेट टू बी यूरियोटेलिक एनिमल्स मैमल है तो यूरियोटेलिक है यह बात बिल्कुल सही है ट्रू इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया क्यों ये मैमल्स यूरियोलिक है क्योंकि इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है अब आंसर क्या लगाएंगे बहुत ही सिंपल है जी स्क्वायर आर्मी आंसर ए होगा क्या होगा आंसर ए होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन गाइस नी ज्वाइंट इज अ हिंज टाइप ऑफ ज्वाइंट तो नी ज्वाइंट ओ तो Only one planar movement. जब मूवमेंट होता है तो ऐसे ज्वाइंट को hinge joint कहते हैं जैसे आपका elbow joint, one plane, किसका हाथ नीचे तो नहीं जा रहा ना एक plane में जब movement होता है तो तो hinge joint है तो उसे कहते हैं ये बिल्कुल सही अब मुझे आंसर देखना है मैम व्हाट इज यूरिक एसिड यूरिक एसिड जो है बेटा वो एडनीन और ग्वान से बनता है काफी हानिकारक होता है यस yes. चल भाई जल्दी बता आंसर क्या है इसका जब तक तुम आंसर नहीं बताओगे मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज ये सोचने वाला क्वेश्चन है हम्म ये सोचने वाला क्वेश्चन है मैं तब तक अपना एसी की सेटिंग ठीक कर रही हूँ हाँ बी आंसर क्यों टिबिया ने कौन सा पाप किया नालायक को टिबिया ने कौन सा पाप किया मुझे बस इतना बता दो चैट सेक्शन में क्या टिबिया के पास दिल नहीं है क्या टिबिया का मन नहीं करता नहीं ज्वाइंट बनाने का है? इस, इसका कोई रूल नहीं है ये काम भी करो क्रेडिट्स भी ना मिले हैं कितने बदतमीज हो यार का आंसर इसलिए मैंने वेट किया आंसर का क्योंकि तुम पलट जा रहे हो बार बार यार तुम पलट जा रहे हो बार बार वो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बार बार पलट जा रहे हो यार पलटी मार दे रहे हो बार बार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

ठीक है बस दो स्टेटमेंट लिख दिए इंडिपेंडेंट आंसर बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्लास इलेवेंथ खत्म होने वाली है फिर क्लास ट्वेल्थ पे जाएंगे बच्चों फड़ क्या हॉर्मोन्स रेगुलेट नहीं करते को? कितनी गलत बात है जब ये पहला वाला फॉल्स हो जाता है तो आंसर मेरा डी हो जाता है ठीक है बच्चों यस ओ, 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 जब ओनली लिखा होता है तब तुम तो तो बहुत सही आंसर लिख देते हो हैं जब सबके नाम लिख ही रहा था तो टिबिया का नाम भी लिख देता भाई उसने कौन सा पाप किया है ये तो वही बात हो गई मिस्टर अग्रवाल विद फैमिली हाँ अब समझ जाओ कोई भी फैमिली बुआ चचा सबको लेकर चले जाए विद फैमिली का मतलब होता पूर्ण परिवार बट ऐसा तो नहीं होता है ऐसे फर्जी बातें मत करो मेरे सेशन में रात के टाइम चलो नेक्स्ट द अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो चलो पहले सॉल्व करो मेरा स्ट्रगल अभी एसी है चलो द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एग्जॉन कंटेेंस हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस ओके बाहर सोडियम ज्यादा होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटींस बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही है बिल्कुल सही सिलरी फ्लैजले एमबॉइड मूवमेंट अगर इन यूनिसेल्यूलर बिल्कुल सही है दो आंसर बी होगा इसका आंसर हाँ हाँ तो क्या हुआ दो चैप्टर से मिला के सवाल दे दिया इसमें इतने हैरानी की क्या बात है कहीं से भी आ सकता है सवाल भाई हम दस चैप्टर को मिला के दे तुम्हें बस आंसर सही निकालना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन एंड टू मच थर्स्ट ऑफ वाटर ये बिल्कुल सही बात है जब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया क्या कहते हैं बच्चों उसको उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं ठीक है और ये क्यों हो रहा है क्योंकि एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है एडीएच इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये बात भी सही है बट भाई इसका रीजन ढंग से नहीं दिया है तो बी आंसर होगा आंसर क्या होगा जी स्क्वायर आर्मी बी होगा बट इसका परफेक्ट रीजन क्या होता कि एडीएच डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो यहाँ पे बी हमारा आंसर आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यस क्या हुआ एक घंटे में तुम्हारी टाइम बोल गई सबकी तो इतना जोश लेके एकदम से आते क्यों सेशन में टाइम बोल जाती है हैं बस देखने आते हो कि मैम आज कैसी लग रही हैं हैं चल आर बॉडी सिक्रीट्स एड्रेनलिन इन इंटेंस कोल्ड बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है जो हमारी बॉडी है एड्रेनालिन रिलीज करती है इंटेंस कोल्ड में एड्रेनालिन हमारे इमरजेंसी हार्मोन जिसके कारण हमें कप ठीक <laughs> है जैसे गर्मी आए मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है एड्रेनालिन रेजेस मेटाबॉलिक रेट आंसर क्या होगा भाई बिल्कुल सही है कि अगर एड्रेनालिन निकलेगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा जिससे गर्मी आएगी शरीर में तो आंसर ए होगा ए इज आंसर ठीक है है ये गलत है ये वाला गलत है ये है 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 आंसर आंसर गलत गलत ठीक वाला बच्चों चलो भाई क्लास हो कैसा जा रहा रहा सेशन पहले पहले मुझे बताओ तो नहीं लग रहा है ना माम, टाइम वेस्ट हुआ है। पक्का तीन बच्चे अभी भी लाइव बैठे हुए हैं आई एम वेरी हैप्पी विद देम कौन सी टॉपिक्स हमारे वीक है तो क्या होगा उसका जब सेकेंड टाइम ऑफ रिवीजन इस चैनल पे शुरू होगा तो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को लिया जाएगा ये बहुत जरूरी है कि हम आज से ही एनालाइज करें क्योंकि अभी सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन बचा है हमारा अप्रैल के महीने में ठीक है मेरे बच्चों तो आज लिख के जाना अब क्लास ट्वेल्थ की तरफ बढ़ते हुए रिप्रोडक्शन से चलिए आ जाओ जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर कम गाइस क्या है इसका आंसर

ये इसका रीजन नहीं है क्यों क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट में क्यों होता है क्योंकि उसके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है जैसे वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं इसका आंसर होगा बी ऑप्शन ना कि ए ऑप्शन चलो इसको वापस देखते हैं बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है आओ वापस देखते हैं फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर्स आदर स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स एम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेसिस ऑफ प्लांट अकर इन द्लार सिर्फ एम्ब्रोलॉजिकल नहीं ना बेटा तो तो नहीं है चलो. पे आते हैं. भाई लॉर्ड प्रगेश जागे रहते हैं लॉर्ड प्रगेश लग रहा है नीट की तैयारी कर रहे हैं भाई उन्होंने फॉर्म तो भरा ही था तुम्हारे सामने एक और तुम्हारा कॉम्पिटिशन खड़ा होता हुआ <laughs> चलो सम आर सीडलेस और कंटेन नॉन वाइबल होते हैं ट्रू ए होगा बी होगा इसका आंसर ए होगा हाँ इसका आंसर ए है ठीक है जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चों एपोमिक्सिस कहते हैं ठीक है चलो आओ भाई

अबे निकमो एटलीस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो गलत मत करो दुनिया भर से ये चैप्टर तुमने पढ़ा हुआ है इतनी बेजती तो मत करो भाई अगर वो हटेगा ही नहीं जोना पेलुसिडा तो इम्प्लांटेशन कैसे कराओगे वो चिपकेगा कैसे भाई चिपकने के लिए उसे हटना भी तो जरूरी है हम्म <laughs> hmm. सच है बट क्यों इन्फेक्शन ज्यादा होता है फीमेल में क्योंकि जो है छोटा होता है, में तो जल्दी -जल्दी होना हो जाता है. क्योंकि यूरिन जो है और जो वजाइन है वो बहुत पास में आ जाते हैं जिससे इंफेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है ठीक है तो ये बिल्कुल सही है इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए देखते हैं क्या है? ओ -ओ 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 -ओ, बाबा मजा आ गया भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी अचीव एज अर्लीज पॉसिबल टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें अचीव करनी होगी अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते ठीक है ओके दिस रिक्वायर्स नॉट टू चिल्ड्रन पर कपल बट अ लिटल मोर ये ये क्या कह रहे हैं जीरो ग्रोथ का मतलब है कि अगर दो कपल है तो दो ही बच्चा कीजिए इससे ज्यादा मत कीजिए हम दो हमारे दो इससे ज्यादा तुम करते तो वो बना लेते हो तो आंसर ए होगा या बी होगा तो इसका आंसर ए है क्यों क्या मतलब है है जीरो ग्रोथ का? जीरो ग्रोथ ग्रोथ का का मतलब है कि अगर दो है अगर मान लो कि अगर यहाँ पे सात बिलियन है तो अगर उन सबकी शादी करा दो तो साढ़े चार बिलियन कपल है इन साढ़े चार बिलियन के दो दो बच्चे ही होने चाहिए तो कुछ ऊपर से निपटते जाएंगे कुछ पैदा होते जाएंगे ठीक है नेक्स्ट अरे सही है लिटल मोर का मतलब है मान लो कि कोई यंग स्टेज में मर गया बच्चा तो फिर से एक और हुआ ना तो ढाई टू पॉइंट फाइव लेते हैं वैल्यू अबे सही है हाँ हाँ लिटल मोर अरे लिटल मोर का मतलब है कि मान लो कि कोई स्टिल बर्थ हो गया तो बर्थ को कंसिडर आपने कर लिया तो उसे बट पूरा नहीं कंसिडर कर सकते ना तो फिर तीसरा बच्चा बट एक्चुअल बच्चे कितने हैं दो यस yes. तो टू पॉइंट फाइव वैल्यू ली जाती है ना लायको वन इन एवरी

तो जरूरी नहीं है कि वो जाइगोट स्टेज से भी आगे जाए वो पहले ही मर सकता है बिल्कुल सही बात है ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस आर लीथल ये फॉल्स है सी हर म्यूटेशन लीथल नहीं होती कुछ बेनिफिशियरी भी होती है ठीक है मेरे बच्चों नेक्स्ट चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> बहुत इंटरेस्टिंग है मैम फीमेल ज्यादा है सलवीन <laughs> फिर तू सिंगल क्यों है ये बता फिर कहते हैं मामा ऐसे बोलते हो और नहीं। चला आजा, आंसर बताओ रिच पार्ट बिफोर जीसी रिच पार्ट पहले एटी पिघलता है फिर जीसी पिघलता है बट क्यों क्योंकि एटी के पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जीसी के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है एटी देर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड गलत टू हाइड्रोजन बॉन्ड गलत यानी कि सी होगा इसका आंसर सी होगा आंसर

और दूसरा थ्री प्राइम से फाइव प्राइम होगा ये होता है एंटीपोलिटी का मतलब तो इसलिए आंसर ए हो गया ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चल भाई अब इस पे आ जाए ये थोड़ा आउट ऑफ लीथल का मतलब होता है जानलेवा कुछ ऐसे प्यार होते हैं जीवन में जो जानलेवा होते हैं जैसे पहला इश्क पहला नशा पहला खुमार ठीक है यस yes. अब देखिए यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दबदबा बनाने के लिए आज पूरे इंडस्ट्री में दबदबा बनेगा हमारा क्योंकि हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लाए हैं ठीक है चलो भाई को एसरवेट्स आर बिलीव टू तो बी द प्रिकर्सर्स ऑफ लाइफ ओके को एसरवेट्स वाज सेल्फ डुप्लीकेटिंग गलत ये डुप्लीकेटिंग नहीं थे चल भाई नेक्स्ट आ जाओ भाई ये क्वेश्चन भी बिल्कुल दबदबा दब बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है यस

आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से रुकना नहीं चाहिए कोई भी आज क्लास में आ जाओ भाई स्किन फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्रू इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस ट्रू क्यों ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि इननेट इम्यूनिटी में आता है ठीक है क्यों ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा इसका आंसर बी होगा क्या होगा आंसर इसका बी नेक्स्ट चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सम डिजीजेस दैट अटैक इन चाइल्डहुड डू नॉट अटैक अगेन जैसे पहली जो चोट लगती है प्यार की उसके बाद वापस चोट नहीं लगती वो प्यार की क्योंकि इंसान सतर्क हो जाता है ट्रू क्यों सतर्क हो जाता है क्योंकि उसने मेमोरी बना ली अपने पहले प्यार के टूट जाने की ठीक है सो मेमोरी सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाई क्योंकि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो आंसर इसका ए होगा मेरे बाबू आंसर क्या होगा ए होगा बाबू चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ भाई बेटा बी और ए में मैं आपको जंग बताती हूँ क्या है रीजन की वाई की जब तक तुम्हारा वाई सेटिस्फाई नहीं हो रहा तुम उसका आंसर ए नहीं दे सकते यू हैव टू गो विद बी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ग्रेटली एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी

नुकसानदायक नुकसानदायक होगा ही नहीं। But क्यों नहीं क्यों है? ट्रू इसका आंसर ए होगा क्यों केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा हानिकारक है एज कंपेयर टू बायोपेस्टिस तो इसलिए इसका आंसर ए होगा ठीक है नेक्स्ट चलो भाई लगाओ क्वेश्चन आज सरप्राइज टेस्ट में मजा आ गया भाई लग रहा है कि बच्चे अच्छा कर गएएंगे नीट एग्जाम में ये कौन अरदास किसकी आदरदास लगानी है भाई अरोमा क्यूज़ीन ओके आई विल क्रैक नहीं अच्छा ये वाली ठीक है तो अरोमा क्यूज़ीन की 40 रुपए की अरदास मैया के चरणों में लगती हुई जो भक्त आएगा वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएगा इसी के साथ बोलो जय माता दी ठीक है यस बच्चों अ एक्सप्रेसिंग अ क्राइजी a crop expressing a cry gene is usually resistant to a group of insects. true kyunki iske paas cry gene hai cry protein banega theek hai cry proteins produced from bacillus thuringiensis is toxic to larvae of certain insects true theek hai kyun toxic hai kyun ye resistant hai why क्योंकि भाई ये कुछ ऐसे प्रोटीन बना रहे हैं जो टॉक्सिक है लार्वल स्टेजेस पे इसका आंसर ए होगा हुँ? अट्वामा उउ अट्वामा टना ना 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 टना ना 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 इसका आंसर ए होगा क्योंकि बिकॉज़ सेटिस्फाई कर रहा था किसको तुम्हारे वाई को ठीक है यस yes. दाद माँग मत लगाये करो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दब दबा सवाल है ठीक है ये लॉन्ग टर्म बैचेस को पढ़ाती हूँ <laughs> मोय मोय हो गया नहीं नहीं तुम्हें पूरे चार नंबर मिलेंगे यार यस yes. आ जाओ भाई आ जाओ फ्लेवर सेवर अ ट्रांसजेनिक टोमेटो फ्लेवर सेवर अ ट्रांसजेनिक टोमेटो व्हिच रिमेंस फ्रेश एंड रिटेन देयर फ्लेवर फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रू फ्लेवर भी रहे और सेफ भी रहे ठीक है यस प्रोडक्शन ऑफ पॉलीगलेक्टोयुरोनेज एंजाइम व्हिच डिग्रेज पेक्टिन इज ब्लॉक्ड इन फ्लेवर सेवर ट्रू क्यों ये फ्लेवर सेवर है क्योंकि इसमें इंजाइम को काम नहीं करने दे रहे इसका आंसर ए होगा ये रहा ठीक है नेक्स्ट चलो भाई क्वेश्चन लगाओ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का टूटा हुआ साज हूं मैं फिर भी क्यों नाराज हूं मैं देख ले जरा इन बच्चों को करा दें इनका सिलेक्शन करते हैं मेहनत ये रात और दिन चलो आ ऑल एंडो कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स जितने भी एंडो सब स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं एनसीआर की लाइन में एंडो न्यूक्लियस आर फाउंड इन वायरस यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा यहाँ मेरे बच्चों बैक्टीरिया आएगा सी हो गया ना आंसर सी हो गया नेक्स्ट चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट पे

चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट यार जब असोशन रीजन सही निकलता है ना ए और भी अलग ही लेवल की खुशी होती है तुम्हें भी होती है क्या मेरे बच्चों एक अलग लेवल की खुशी होती है कि यार यार सही आर, सही में जा रहा है। मतलब सही सोच थी मेरी बहुत अच्छा लगता है यार एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है एक सेकंड मैं बीस रुपए की अरदास लगाती हूँ इतने आप बच्चों यस समीक्षा की लगानी है आज अरदास लगाएंगे सीधा चरणों में भगवान के चरणों में ये वो अरदास है जो बहुत करीब है भगवान के क्योंकि ये सविक्षा की अरदास है पूर्ण रूप से भक्त जन आए हैं सब सुनेंगे और अरदास लगेगी ठीक है चलो प्रेडेशन इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद अ फीडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही बात है एक फीडिंग स्ट्रैटेजी होती है प्रेडेशन में प्रेडेटर एंड देयर प्रे मेंटेन फैली स्टेबल पॉपुलेशन थ्रू टाइम एंड रेली वन पॉपुलेशन बिकम्स अबंडेंट क्योंकि प्रूडेंट होता है हमारा प्रीडेटा ठीक है तो क्यों भाई इसका आंसर ए होगा क्यों ये एक स्टेबल स्ट्रेटेजी है क्योंकि ये एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए वही आंसर चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई चलो चलो यार जल्दी करो और फिर घर भागो हाँ डेली मैं एक बजे घर पहुंचती हूँ कोई बात नहीं यस yes, पूरा मोहल्ला देखते कहां से है ये चलो भाई Tropical rainforests are disappearing fast from the developing countries such as India. Say No values attached to these forests because these are poor in biodiversity. Ye galat baat hai. Answer C. Hona hai. Next. Next question. Chalo. Ajo. Yes. Ajo. Chalo bhai, Next. A network of food chains existing together. इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ट्रू एन एनिमल लाइक काइट ये एक बर्ड होती है कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब क्यों भाई क्यों नहीं पार्ट हो सकता बिल्कुल हो सकता भाई ये फॉल्स है सी है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस करो 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 फिर मैं कराती हूं बैक्टीरिया एंड फंगी आर माइक्रो कंज्यूमर्स ट्रू

स्टेबल कम्युनि शुड नॉट शो टू मच ऑफ वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर बिल्कुल सही है क्योंकि क्योंकि अगर ये इन्वेजन ज्यादा होगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी ठीक है तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए आओ देखते हैं

स्टेबल इकोसिस्टम की उसके बहुत सारे रीजन दिए भाई एनसीईआरटी ने बी होगा आंसर कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल अब देखो ये आ गया ना दूसरा रीजन देन दोस विद लेस स्पीशीज ये दूसरा रीजन आ गया लेस वेरिएशन वाला मोर विल बी द स्पीशीज लेस विल बी द ईयर टू ईयर वेरिएशन एंड टोटल बायोमास ट्रू इसका आंसर ए होना चाहिए इसका ए होना चाहिए भाई ये देखो आ ना ए हो गया आज सरप्राइज टेस्ट लेने का बंदा ले लिया यस <laughs> yes. हो गया अब बिना एनोटेशंस की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे पहुंच जाना और कल की अटेंडेंस लगा दो फटाफट से चलो भाई कल की अटेंडेंस कैसे लगते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ यस yes. अरे भाई कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तीन चैप्टर एक साथ कराऊंगी मैं मेहनत लगती है मेहनत समझ लो ये देखो ये हूं मैं ये है मेरा सेशन और ये चल रही है एड्स अब क्या है ये मतलब कुछ चीज नॉर्मल ही नहीं होती लाइफ में यार यस yes. ये देखो ये है अब देखो अटेंडेंस कैसे लगाएंगे सब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले इसको क्लोज पोल कर दे यहाँ पे देखिए कॉलेज ये देखिए ये कल का सेशन आ गया ये देखिए ये बस यहाँ पे अब आपने लाइक कर देना है बस मैं वेरीफाई नहीं करूंगी तुम्हें मेरा पासवर्ड पता लग जाएगा तुम बहुत चला को ये देखो यहाँ पे फटाफट से अटेंडेंस लगा दो लगा दो भाई फटाफट से इस वाले सेशन में अटेंडेंस लगा दो फटाफट से इकोलॉजी में वन शॉट इकोलॉजी कल महा मैराथन है पहला मैराथन है बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए सारे बच्चे आ जाने चाहिए और स्कोर बताओ फटाफट से आज सब बच्चे स्कोर लिख के जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में वरना बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी ऐसे सरप्राइज टेस्ट में बीच में कभी भी ले लूंगी तुम्हारे अब जब तक मेरा क्या चल रहा है सिलेबस ठीक है 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 भाई भाई चलो भाई जल्दी से अटेंडेंस गाइस क्या है? क्या हो हो रहा रहा सुन नहीं रहे हो अटेंडेंस लगाओ फटाफट से ये देखो सिर्फ पांच सौ बीस बच्चों ने लाइक यहाँ पे ढाई हजार बच्चा बैठा है क्या मजाक की बात कर रहे हो आज की क्लास में मजाक मत किया करो जल्दी जल्दी कल वन शॉट कितने बजे से लगा रखा है मैं तो देख लू दस बजे नहीं है भाई सात बजे होगा अभी इसका अनाउंसमेंट वीडियो बनाती हूँ जरा पहले बैठ के सात बजे होगा कल सात बजे कल सात बजे जी स्क्र के, साथ, साथ, फेरो के साथ, साथ समंदर पार के साथ गाइस आज का स्कोर मेरे हिसाब से तुम्हारा अच्छा आना चाहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें अब धासु तरीके से यस सिक्स सेवेंटी फोर जब तक ये हजार नहीं होगा मैम यहां से हिलेगी नहीं यस

लाइक like करो यहाँ पे तब जाऊंगी फिर तुम जाओ हाँ यस यहाँ पे जब तक नहीं होगी मैं नहीं जा रही करो यहाँ पे देखो ये देखो सुनते नहीं है यार दो हजार बच्चे कम ऑन गाइस प्लांट फिजियो भी स्टार्ट कराऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट के बाद शुरू कराऊंगी प्लांट फिजियो की ठीक है यस चलो 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 करना ही पड़ेगा भाई करना ही पड़ेगा देखो देखो बस 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 जल्दी 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 अगर टेलीग्राम पे पूरी एनोटेशन विदाउट एनोटेशन की चाहिए तो भाई ये तो करना पड़ेगा हुँ। हुँ। मैं नहीं जाऊंगी मैम इलेवेंथ वीक है अभी तो पूरी इलेवेंथ पढ़ाई है यार ये ऐसी बातें कर देते हैं मैम ट्रेलर क्यों नहीं है चेंज करा रही हूं ना इतना इतना बोले हो ट्रेलर के लिए कि ट्रेलर अभी लगवाएंगे बेटा बहुत डांट मारे बच्चे अपने जो रेगुलर बच्चे है ना बहुत डांट मारे थे यार यस yes, चलिए भाई तो आप शुरू करते हैं इकोलॉजी का महा मैराथन कल सात बजे ठीक है टाइम याद रखना जगह साढ़े आठ ले लू चल आठ बजे ले लू तो ना तेरी ना मेरी आठ बजे ले लेती हूँ ठीक है चलो बच्चो यहाँ पे नाइनटी नाइन वेटिंग है यार बताओ यहाँ क्या बस गए हो गए जाके अरे भाई निकल भी लो वहां से यहाँ बस गए है। ये मैम कल आरसीबी का मैच है हल्दी हो गई आनंद नालायक ये भाई सर में यहाँ के बस गए देख रहे हो तुम बहुत नालायक है यार ये सब चलो भाई अब चलते हैं हाँ, 11th के लास्ट के चैप्टर्स ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो होगी बेटा सब होगा जल्दी जल्दी करा रहे मैराथन के फॉर्म में करा रही हूँ फटाफट से फिर उसका सेकेंड टाइम रिवीजन फिर प्रैक्टिस ठीक है चलो बाय बच्चों टेक केयर बाय टेक केयर सब अपना स्कोर लिख के जाएंगे आज के कमेंट सेक्शन में ठीक है क्योंकि सरप्राइज टेस्ट सब मुझे भी देखना है भाई तुम कितने पानी में हो